सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट आसिम यार टिवाना। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंटरनेशनल डिज़ाइनर से करा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हॉलीवुड में रोशन किया, और उनके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, शी इज़ अ टैलेंटेड एक्टर, और उनकी शॉर्ट फिल्म्स वेरियस फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हुई और अवार्ड्स जीते। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। जी शर्मीन, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ आवर टैलेंट। जी एब्सोल्युटली, एंड आवर फैशन सीन इन पाकिस्तान। आज के एपिसोड आप तो बहुत एंजॉय करेंगे, बिकॉज एनीथिंग रिलेटेड टू फैशन आई फील कि आपका बहुत बहुत मेरा इंटरेस्ट होता है, और स्पेशली जब आपके फ्रेंड्स पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं ऑन इंटरनेशनल होराइजन, तो हम सब के लिए एक बहुत ही ये प्राउड मोमेंट होता है। एब्सोल्युटली, हमारे जो दोनों आज के आने वाले गेस्ट हैं, आई बिलीव उनको दोनों को हॉलीवुड में उनकी फिल्म फेस्टिवल्स, एज यू मेंशन, जो हमारी एक्ट, जो आई एम नॉट गोइंग टू गिव अवे, लेकिन वन ऑफ आवर गेस्ट, एज यू मेंशन, उनकी शॉर्ट फिल्म्स फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत अप्रिशिएट की गई हैं। और ऑफ कोर्स, और जो हमारे डिजाइनर गेस्ट हैं आज, उनकी लेटेस्ट जो कलेक्शन है, नॉट कलेक्शन आई वुड से, उन्होंने एक बहुत ही इंटरनेशनल स्टार को उनके वार्डरोब डिज़ाइन की हैं, जो कि हॉलीवुड की फिल्म की प्रीमियर पे उन्होंने पहना एंड हमारे मुल्क का नाम बहुत रोशन किया। एब्सोल्युटली, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल आउटफिट, आई वुड से कि रेड कार्पेट वो इट वाज स्टैंडिंग आउट मेरे ख्याल से, है ना। एंड एवरीबॉडी, द इंटरनेशनल प्रेस, दिस आउटफिट, और हर जगह पे पाकिस्तान के इन डिज़ाइनर का नाम वहाँ पे लिया जा रहा है। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस ने गेस्ट तो कर ही लिया होगा कि हमारे आज के आने वाले पहले गेस्ट कौन है। जी, तो हमारे गेस्ट पाकिस्तान के बहुत बड़े डिज़ाइनर, बहुत बड़ा नाम इन द फैशन इंडस्ट्री। ही इज़ बिन इन द पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 30 years, 3 decades, शर्मी। एब्सोल्युटली, और जहाँ आपने कहा कि हमारे टॉप मोस्ट डिज़ाइनर्स में इनका नाम शुमार होता है, ऑनेस्टली आई एम नॉट सॉरी टू से, बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट डिज़ाइनर, आई फील ही इज़ द बेस्ट। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वी शुड इन्वाइट आवर गेस्ट, सो लेट्स इन्वाइट द वेरी टैलेंटेड, द लेजेंडरी, द आइकॉनिक उमर सईद। वेलकम टू आवर शो स्टार एंड स्टाइल। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। हां, नहीं, बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। या बहुत देर हो गई। और आज का शो, आपको पता है, हम स्पेशल जो है, ये एक सेलिब्रेशन है इंटरनेशनल हॉलीवुड स्टार की, वार्डरोब आपने डिजाइन की उसकी फिल्म के प्रीमियर के लिए। How did that come about? कैसे आपको उन्होंने कॉल किया? Actually, हुआ ये कि उनकी जो अम्मा है वो मेरी एडमायरर है या फैन है या जो भी काम की, तो शी टोल्ड हिम उनसे कॉन्टैक्ट किया जाए। फिर उनकी इंटरनेशनल स्टाइलिस्ट ने मुझे कॉन्टैक्ट किया वो DM करके इंस्टाग्राम पे, then how it started. Very nice. We started working on it. उसने वापस करेंगे या आपने गिफ्ट कर दी? नहीं नहीं, गिफ्ट कर दी। इतनी बड़ी चीज है, हमारा नाम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू उमर, के एक इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्टार ने पाकिस्तान का नाम वहाँ पर, एंड मैं सारे वो रेड कार्पेट का देख रहा था, हर जगह पे उन्होंने आपका मेंशन किया। जी, और बहुत बड़ी अच्छी बात ये थी कि दे वर सो प्रोफेशनल आसिम, कि उन्होंने पहली ही ईमेल में हमसे पूछा कि आपके क्या चार्जेस होंगे या क्या, क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो तो अपना हक समझते हैं। एग्जैक्टली, बट वी सेड कि नो, दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस, सो हाँ, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, मैप पे जाएगा इंटरनेशनल, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, विल to it. Wow, all over international press, not just Pakistani press. It was everywhere. All the leading magazines, newspapers, channels,
क्योंकि इतना वो स्टैंड आउट किया शेरवानी वहाँ पर उनकी वार्डरोब में, आउटफिट में। एंड ऑनेस्टली आई वुडन्ट बी टू सरप्राइज्ड कि अब आपको वन आफ्टर अनदर इस तरह से रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली सो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि बेसिकली इज अ पाकिस्तानी बॉर्न एक्टर, तो उनको थोड़ा आइडिया था कि शेरवानी कैसी होती है क्या। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तानी लिबास को प्रमोट करने, उनका दो ऑप्शन थे हमारे पास कि या तो ग्रीन पाकिस्तानी फ्लैग का बनाएं हम या उनकी मूवी का जो कलर है, उनका जो कॉस्ट्यूम है तो वो बनाएं। तो हमने दो ऑप्शन उनको दिए तो उन्होंने चूज़ पर्पल किया। लेकिन अभी हम जो है उनके लिए ग्रीन भी बना रहे हैं, जो कि आप बहुत जल्द देखेंगे किसी उस पे। तो आई हैव डन इट। हाउ वंडरफुल। बेहाल में हमें अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। आप इतने एक आइकॉनिक डिज़ाइनर हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उन्होंने भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में उनकी मूवीज़ भी award winner. MashaAllah, she is very talented and we've been working together for a while. For a very long time, ji. And she's very hardworking. Of course. So let's invite the very talented, the very gorgeous Rabia Chaudhary. How has life been for you? Life's been good. How about you? Good, Alhamdulillah. Lekin COVID कैसे गुजर रहा है यू राइट एब्सोल्युटली इट्स बिकम अ लिटिल बेटर बिकॉज़ आई थिंक आदत हो गई है प्लस वैक्सीनेशंस हो रही हैं बिल्कुल एंड आई होप जो हमारी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जिन्होंने नहीं करवाई वो भी करवाएंगे क्योंकि इसी तरीके से हम जो है उसका ग्राफ सरवाइव कर सकेंगे बिल्कुल हां वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा भाई बहुत खुशी की बात है एक तरह से डेब्यू हुआ आपका हॉलीवुड का एंड प्लस तुम्हारी फिल्म शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसकी नॉमिनेशन हुई बिल्कुल बिल्कुल उसने जीता भी माशाल्लाह से कांग्रेचुलेशंस लेकिन थैंक यू सो मच एज फार एज द कुमेल नंजियानी थिंग इज कंसर्न तो मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा और दिल जैसे फखर से यूं करके फूल गया और ज्यादा चौड़ा हो गया अच्छा ये बताओ रबिया यू नो यू डू सो मेनी यू हैव डन क्वाइट अ फ्यू शॉर्ट फिल्म्स व्हाई इज इट कि हमें टेलीविजन पे आप इतना नजर नहीं आती टेलीविजन पे दुआ करें कि मैं नजर आऊं अगर कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा आता है तो जरूर आई वुड लव टू हर लंबी लड़की को पहले तो सबसे पहले नेगेटिव रोल लगता है बिकॉज इफ शी इज टॉल तो शी कैन बी मजलूम ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है अच्छा ये है ये चीज़ें और मेरा ख्याल है बहुत इंटरेस्टिंग ये एक बात आपने शुरू कर दी एक तो ये कि दर्द और जो जुल्म है वो तो हर किस्म का इंसान सहता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि टॉल है या शॉर्ट है मतलब आपकी शक्ल से थोड़ी कोई देख के आपको और दूसरी बात ये कि रिप्रेजेंटेशन मेरा ख्याल है अब तो पूरी दुनिया में ये जो नया वोकनेस आई है कि हर चीज के बारे में अब बात होती है कोई इनसिक्योरिटी अब ऐसी नहीं रह गई जिसके बारे में आप खुल के बात नहीं कर सकते बिकॉज हर किसी को हक है जीने का ठीक है ना तो उस तरह से मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि मेरी तरह की और लड़कियां नहीं है यू नो आपकी तरह की कोई लड़कियां नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है तो हमारे यहाँ बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया ना उसके रोल को कि औरत जो है वो सिर्फ यही हो सकती है या पाकिस्तानी औरत के लिए कि वो सिर्फ यही हो मुझे इतना अफसोस होता है देख के जब भी स्क्रिप्ट आता है कि पढ़ो अगर मजलूम लड़की है तो उसने घर में बैठना है और अगर काम करने जाने वाली है तो वो मजलूम नहीं हो सकती उसने नेगेटिव होना है हम क्यों ये स्टीरियोटाइप कर रहे हैं उमर व्हाट डू यू थिंक नहीं ये बहुत गलत है पहले ऐसे नहीं होता था लेकिन पता नहीं अब वो टीवी चैनल कमर्शियलिज्म एंड रेटिंग्स यू फ्रेंड्स विद सो मेनी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स आप डाटा करें ना करता हूँ मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबको अपने फ्रंट पे जाए जिससे लड़ाई लड़नी चाहिए कि स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए और जिस तरह पहले काम होता था और इतने बड़े बड़े प्रोग्रेसिव काम हुए पीटीवी के सीरियल्स कितनी प्रोग्रेसिव दिखाई जाती थी हसीना मोइन के सीरियल्स में और बहुत स्ट्रॉन्ग करती थी कॉन्फिडेंट एंड यू नो डिसीजन मेकर दिखाया जाता था वी विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक इन कन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी उमर सईद एंड द वेरी टैलेंटेड रबिया चौधरी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं आई एम सो सॉरी सजी है कहकशां सितारों का जहां काफी मुश्किल हो गया था आई थिंक बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो सफर किया तो हम लोग क्या चीज है okay. क्या आपका ख्याल है कि कोविड की वजह से शादियां ज्यादा हो रही है प्यार मिले तो हर एक गम से बेगाना दिल हो जाए
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत मज़े मज़े की अभी बातें होने वाली हैं। एंड आसिम, नाउ दैट वी हैव उमर सईद एज आ गेस्ट, हम जाने नहीं दे सकते विदाउट यू नो गेटिंग सम इनसाइड इंफॉर्मेशन एज फार एज फैशन इज कंसर्न। हमारी ऑडियंस वुड लाइक टू नो द अपकमिंग ट्रेंड्स फॉर दिस ईयर विंटर, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो ऑनेस्टली। हमारे यहाँ खद्दर बहुत अच्छा होता है और खद्दर का इस्तेमाल बंद हो गया था, लेकिन अब जो है वो ब्रांड और सब लोग जो है वो खद्दर इस्तेमाल करें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि खादी की बनी हुई चीज़ें, नाम तो खादी इस्तेमाल होता है लेकिन एक्चुअल खद्दर नहीं इस्तेमाल होता था। तो खद्दर इज फॉर विंटर ओनली, राइट? फॉर विंटर, फॉर समर्स आल्सो। हाँ, और समर के लिए जो है वो पतला होता है और सर्दियों के लिए थोड़ा द बीज मोटा होता है, लेकिन अब वो फिर से आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर आगे आपका ब्राइडल सीजन भी आ रहा है, शादियों का सीजन है, तो ये बताइए कि कोविड के दौरान शादियां तो चल रही थी, तो उसका कोई इफेक्ट हुआ है आपके? बहुत ज्यादा काम जी बिल्कुल, और बल्कि सर्वाइव करना और सब कारीगरों को रखना और वो करना काफी मुश्किल हो गया था। आई थिंक बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो सफर किया, तो हम लोग क्या चीज है। क्या आपका ख्याल है कि कोविड की वजह से शादियाँ ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है, आई डोंट नो, लेकिन कमी नहीं आई, किसी ने अपना पोस्टपोन नहीं करा प्लान। नहीं नहीं, छोटी हो गई, छोटी स्मॉल स्केल पे एक्सक्लूसिव हो गई, एक्सक्लूसिव हो गई। लेकिन जिन्होंने उमर सही थी कपड़े ऑर्डर करने, उन्होंने फिर भी किए होंगे 100% शो, है ना? इतना ज्यादा कहां मौका मिलता लड़कियों को। अच्छा जी, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट हॉलीवुड, जो आपने कुमैल नंजियानी को आपने ड्रेस किया, तो उसका एक शॉर्ट पैकेज बनाया हमने, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जी, जरूर, और अपने व्यूअर्स के साथ भी। आइए देखते हैं। I wanted to wear Pakistani clothes, and this is a Sherwani, which is sort of our version of, this is like a celebration clothes. It's our version of a tux, like very formal. And I wanted to have it made by a designer in Pakistan, not just a Pakistani designer here. So I contacted a Pakistani designer, his name's Omar Saeed. I asked my mom, I was like, who should I get? And she was like, Mom knew. Mom knew. Mom was like, if you can get him to reply to you. And so they had it, they made it and they sent it over, and here I am. Can you step back two steps so we can get a whole view? It's beautiful. Wow, nice. Omar, fabulous. Gosh, yeah. Who chose this? His mother. Ajay, how sweet. Acha Rabia, aapki singing kaisi chal rahi hai? मेरी सिंगिंग बाथरूम से, कमरे से, कभी कभी किचन में, स्टूडियो में नहीं आई अभी तक। नहीं नहीं नहीं, मैं ही लाया था। आप पहले आए थे अपने स्टूडियो में, पता है मेरा? अब तो मैं ये सोचने लग गई हूँ क्योंकि नहीं नहीं सोचने लग गई रबिया, कब से कोविड की वजह से बहुत सोचने का टाइम मिला। आपको बताऊँ की रबिया की और मेरी एक कॉमन बात है, जो हमें प्लांट्स का बहुत शौक है जी, नेचर प्लांट्स, और तो कोविड में ज्यादा हो गया था, टाइम बहुत ज्यादा था। सही बात है। तो मैं तो सिर्फ पौधों में ही लगा रहा। अच्छा। रबिया भी मैं देखता था इसकी पोस्ट। हाँ, नहीं नहीं, आई हैव स्टार्टेड दिस, तो मुझे शुरू शुरू का प्यार है, तो मैं भी ट्रायल एंड एरर ही होता है ना, क्योंकि आप लगा के देखते हैं, फिर कुछ चीजें मर जाती हैं, फिर आप थोड़ा सा, वो बहुत दुख होता है। एक पत्ता निकलता है तो बहुत खुशी होती है ना, कि एक पत्ता नया निकल रहा है, खाली निकली है। थोड़े दिन पहले मैंने एक प्लांट मंगवाया, तो वो क्योंकि ऑब्वियसली डब्बे में पैक करके उन्होंने भेजा था, सब सही था, एक जो है वो बिल्कुल ही बेचारा ना, उसका रूट बॉल भी निकल आया साथ में और वो टूट गया। तो उसको देख के पहले तो मैंने बड़ा अपने आप को कंट्रोल किया, और फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे आंसुओं से रोना आ गया कि ये क्यों हो गया। ये प्लांट्स के बारे में और पेट्स के बारे में मैं भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं। रोटियों की मुझे हर चीज बनानी है आपको? हाँ हाँ, मुझे आती है चीजें बनाना, मुझे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें नहीं आती, जो सच्ची बात है। लेकिन और दूसरा ये कि मैं बहुत रेगुलरली नहीं बनाती चीजें, मैं मतलब अपने लिए जो मेरे
कुछ यू नो डाइट प्लान के फेवरेट चीजें हैं वो मैं पास्ता वगैरह वो आए दिन बन रहा होता है बाकी जो स्पेशलिटी चीजें हैं वो फिर टाइम लगता है अच्छा ये बताइए I must say that you're looking gorgeous tonight as always thank you as always of course ये बताइए कोविड में बीच में ट्रैवलिंग सबकी बिल्कुल रुक गई थी आपने ट्रैवल किया जब से अब ये ट्रैवलिंग किया वो तो चार महीने तीन महीने अमेरिका रह कर आए अपनी पोज लगा के कभी स्विमिंग पूल में कभी कहाँ इतनी देर बाद छुट्टी मिली थी करते अब तो मैं पेट जा रहा हूँ अच्छा तो कैसा रहा आपका समर ब्रेक बहुत अच्छा थ्री मंथ्स का था आपका इट वाज वेरी नाइस बहुत मच नीडेड मच नीडेड व्हाट अबाउट यू रबिया अभी तक निकलने का मौका मिला नो I had plans, बीच में दो दफा प्लान बने लेकिन वो बस कुछ करनी होती है कि वो नहीं हुआ तो इतना difficult बहुत difficult हो गया पांच PSR टेस्ट होते हैं कम से कम और वैसे ये काफी lazy और मतलब एक laid back and relaxed किस्म का एक इंसान हूँ तो मुझसे तो ज्यादा कोशिश भी नहीं होती है कौन सात छह सात घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे यही सोच के इंसान अब तो टेस्ट इतने होते हैं कि जाने से पहले कोविड टेस्ट कराएं फिर वहाँ पे ऑन अराइवल वो कराएं You know, it's a very long procedure. मैं कभी सोचती हूँ कितना हम for granted लेते थे life को before COVID, right? We had no idea what the value पता चली है COVID के अंदर क्योंकि आप जो एक mechanical जिंदगी गुजार रहे थे हम लोग बहुत ही फेक चीज़ों के पीछे भागना तो कोविड ने हमें ये सबक दिया है कि हम जो रियल लाइफ है उस पे फोकस करें अब लोगों ने फेक चीजों के पीछे भागना छोड़ दिया नहीं अभी जो भाग रहे हैं वो तो अभी मेरे ख्याल से दौड़ जारी है अभी हम वैसे ये बात कर रहे थे कि ये रियलाइजेशन बहुत जोर से हुई है कि इंसान को ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है चीजों की जिंदगी एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपकी हेल्थ हो आपके पास दो खाना नहीं चले हाउ वंडरफुल वी गोना टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक नाउ विल यू डू द ऑनर्स प्लीज नो यू कैन गो फॉर द ओके आई विल डू हां चले जी रबिया विल टेक द ब्रेक हां जी सो वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक आप वापस जरूर आइएगा आपका काम बोलता है जो आजकल मैं इस बात से बहुत इख्तलाफ करता हूँ कि आप बाथरूम भी जा रहे हैं तो सेल्फी लगा रहे हैं आप हर जगह आपकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ वो होनी चाहिए आपका काम होना चाहिए actually really look forward to seeing your posts you know unko lagta hai ki aap unke saath saath hain connecting with you khushi ka hai ye pal saji hai kehkashan sitaron ka jahan khushi ka hai ye pal saji hai kehkashan sitaron ka jahan जी नाजरीन वेलकम बैक इन कॉन्वर्सेशन विद द आइकॉन्स ऑफ अ फैशन इंडस्ट्री उमर सईद एंड रबिया चौधरी वाओ वंडरफुल यू नो मुझे बोलने नहीं दिया तुमने हाँ मैं अपने बदले ऐसे ही लेती हूँ अब तक मुझे पहचान जाना चाहिए हाँ पहचान गए अब अच्छा जी मुझे ये बताइए म्यूजिक की हम बात कर रहे थे जी तो आपने कहा कि जी अब बाथरूम से आप किचन और टीवी लाउंज तक आ गए तो अब स्टूडियो पे और लोगों के सामने स्क्रीन पर कब आएंगे मुझे पता नहीं अब ऐसा लगने लग गया है कि हर चीज एक बिजनेस नहीं बन सकती ना मतलब वो एक शौक है एक प्यार है उस चीज से मजा आता है गाने गा के तो वो हर चीज को स्टूडियो में ले जाना जरूरी है क्या नहीं कोई जरूरी नहीं है मगर अगर आपका शौक है अगर आपका पैशन है तो आप को उसको शेयर करना चाहिए आपके चाहने वालों के साथ लोगों को खुशी देनी चाहिए हाँ ये तो है ये तो आई गेस वही चलती रहती है आगे पीछे सोचें कुछ ना कुछ हाँ अच्छा चलिए जी हमारे शो में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां पीटीवी गोल्ड में हम पीटीवी के पुराने सॉन्ग्स का क्लिप चलाते हैं आपके साथ दिखाते हैं पुराने क्लिप्स और फिर आजकल के आर्टिस्ट जो हैं उनसे वो गाना दोबारा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं तो आज का जो गाना हमने सेलेक्ट किया है पीटीवी गोल्ड में उसके बोल हैं प्यार ना हो तो जो कि परफॉर्म किया था मेहनाज ने इस दुनिया और में जीना मुश्किल हो जाए और ये कॉम्पोजिशन थी निसार बज़मी साहब की तो ये पहले इसका एक छोटा सा क्लिप देखते हैं जीना
मुश्किल हो जाए, प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। प्यार मिले तो हर एक गम से बेगाना दिल हो जाए, प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। Wow, what a fabulous song. क्या आपकी यादें आ जाती हैं जी? तो आज ये वाला गाना परफॉर्म करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है हमारी मुल्की मायानाज सिंगर, वेरी टैलेंटेड अरूसा अली, एंड महनाज की वो सिस्टर भी हैं। तो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड अरूसा अली। सितारों का जहां।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक से पहले व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस बाय अरुसा भाई, बहुत अच्छा। एक तो गाना बहुत अच्छा था, फिर अरुसा की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी। राइट जी, एनाज की याद आ गई। आई मीन एनाज की, बिल्कुल, बिकॉज शी इज हर सिस्टर, तो ऑब्वियसली वो एक उसमें झलक थी उनकी आवाज में, बिल्कुल वैसे गा रही थी। उमर, डू यू स्टिल लिसन टू म्यूजिक फ्रॉम दैट एरा? या आई ओनली लिसन टू दैट म्यूजिक फ्रॉम दैट एरा। ओह रियली? ऑफ कोर्स आई डोंट लिसन टू न्यू आजकल के, आजकल का पॉप म्यूजिक आपको नहीं अच्छा लगता? अच्छा जी, वी हैव कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो, सोशल मीडिया। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, so what we've done is we've gone on your social media profiles and we've selected few pictures. So वो हम आपको यहाँ दिखाएंगे, तो आप उनके बारे में हमें कुछ बताएं। I had no idea this was a thing. Oh, wow. Oh, that's adorable. Thanks. How old were you? Must have been two. No, not even two. Hardly one. हाँ, ये मुझे बड़ा उल्टा टेढ़ा होने का बड़ा शौक था। I was a real poser as a baby. This is over here at a friend's place. Oh, अच्छा, I thought America लग रहा था। नहीं नहीं, ये यही है। Oh, what a yadgar trip. Asim was also there. I think I was. हम ये I think Tarry Town। नहीं, ये हम Washington DC से हम New York जा रहे थे। हाँ। जब मेरे और ZQ की लड़ाई हुई थी वहाँ पे Penn Station में। बिल्कुल बिल्कुल। What a fabulous picture. Oh, thank you. Big round of applause for everybody who's photographed me ever. Wow, this is Istanbul. Istanbul, Turkey. Turkey. Oh, that's awesome. Yeah, yeah. Shoot के लिए गए थे आप लोग? जी, shoot के लिए गए थे। ये श्रीलंका है। Oh, ये आपकी DP भी यही है Facebook पे। Nice. Where is this? ये कोई लंच था। Kidney Center branch तो नहीं था? नहीं, सिद्धार्थ was over. मैं ईमान फियार, बड़ी अच्छी तस्वीरें निकाली उन्होंने। Oh, wow. This is also Sri Lanka, Mahira और मैं। ये shoot था आपका ना? Shoot था। This is my mother. How sweet. कितनी प्यारी picture है उमर। और आप भी मिलते हैं अपनी अम्मी से, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। Wow, what lovely picture. कितना active हैं आप दोनों social media पे? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। पर होना चाहिए आपको। Do you think it's important in today's age and time के social media की presence? हम लोग तो ओल्ड स्कूल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका काम बोलता है, जो आजकल मैं इस बात से बहुत इख्तलाफ करता हूँ कि आप बाथरूम भी जा रहे हैं तो सेल्फी लगा रहे हैं, आप हर जगह आपकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ होनी चाहिए, आपका काम होना चाहिए, काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होनी चाहिए। I try to stay active. फिर मैं थोड़ी सी वही लेजी हो जाती हूँ, लेकिन आई डू ट्राई टू स्टे एक्टिव, बिकॉज होता ये है कि आपके जो फैंस हैं, पीपल हु दे एक्चुअली रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग योर पोस्ट, यू नो, उनको लगता है कि आप उनके साथ साथ कनेक्टिंग विद यू। हाँ, तो मतलब इसी तरह के वो मुझे अक्सर एक्चुअली मैसेजेस आते हैं कि आप क्यों नहीं ज़्यादा शेयर करती, यू नो, वेयर हैव यू बीन, तो मुझे लगता है कि अच्छा देयर इज, कभी कभी यू फील लाइक कि अच्छा हु द हेल विल केयर कि मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं तस्वीरें, बट देयर आर पीपल आउट देयर हु वांट टू बी पार्ट, सो योर फैंस यू मेक एन एफर्ट। या आई डू। अच्छा जी, वी विल जस्ट डू आवर लास्ट सेगमेंट नाउ, एंड द लास्ट सेगमेंट इट्स कॉल्ड हॉट सीट। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। So what we'll do is we'll ask you a few questions, और उसके बाद अगर आपके जवाबात full of spicy और full of spices और कुछ interesting से जवाबात हुए, तो उसको ये बहुत ही प्यारा चॉकलेट का गिफ्ट हैम्पर मिले। इसमें क्या क्या है पहले मुझे? इसमें एक तो स्टार एंड स्टाइल का मग है, और उसके अलावा बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। अच्छा, नाइस। Okay, wait, let me take a deep breath. Take a deep breath, get ready to relax. Yes. Itna nervous hone ki zarurat nahi. Itne bhi sakht sawal aate hain. Acha, theek hai. Your best friend in the industry. Oh gosh. Usman Mukhtar.
ओके मगर आप उसकी शादी पे नहीं गई तो बहुत खफा है आपसे. हाँ मुझे पता ये है. कैसे पता आपको? Because she told me. Oh, अच्छा. Who do you admire the most in our industry? I actually do admire Uswar a lot. I admire Sunita a lot. Hi, sweet. My bestie. Yeah. I love her. Achha, my bestie. No, she's also somebody I'm very close to. You can't take her away. Describe yourself in 3 words. Amazing. Sensational. Wonderful. Irresistible. Oh, wow. Very nice. Your favorite model, female? My favorite model, Iraj. What is your best feature on your face? My best feature your on my feature. Face? My favorite feature. Thank you. Yes, I okay, have I'll take it and I'll accept it and then I will make it my own. Okay, Rabia, so your next question. Rabia, jaldi jaldi karna. क्या मतलब जल्दी जल्दी तुम्हारे शो पे आती हूँ तो दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हो जाती हूँ. आसिम ये शो है कि थेरेपी सेशन साइकाइट्रिस्ट कहीं के तौबा कौन है ये? सॉरी फॉर रबिया. ओके रबिया ज्यादा सॉरी फील ना करो तुम. नहीं आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट है ना. यू आर हियर ऑल द टाइम. आई कैन सी इट ऑन योर फेस. आई मीन ऑल द टाइम शी इज हियर. ओके सो योर चाइल्डहुड इंजरी दैट यू स्टिल रिमेंबर. Internal or external? Let's forget the internal injuries for now. In right here on my head, एक पत्थर लगा था और खूनम खून हो गया था सब कुछ. Oh God! अच्छा एक ऐसा ख्वाब जो आज तक आपको याद हो, ख्वाब या nightmare जो भी कहें. हाँ है एक. The last lie you told someone. I don't really lie. I am incapable of lying. Your current crush. Ask him. He knows. Very nice. Your current crush. My current crush. In the matlab celebrities mein. Celebrities. Bollywood. Haan. Kahin kabhi. Lollywood, Hollywood. Gosh, I was watching this show called Lock and Key, which is a very bacha show. Haan. But there's a guy in that who I thought was kind of cute. Oh wow, wonderful, amazing, Rabia. I'm so impressed. You're so funny. Ji Umar, luxury bread ya bridal? Your favorite diva? Barbara, Resham, Reema or Neeli? Barbara and Resham. Ek ka jawab de. Nahi, ek ka jawab hi nahi. But why? Nahi, isliye ki dono mujhe bahut pasand hai. Achha ji. Aajkal ke kaun se current superstar ko you would like to dress up? करंट सुपरस्टार? हाँ जी. नहीं मुझे एक मॉडल बहुत पसंद है आजकल, उनका नाम है सारा जुल्फिकार. सारा जुल्फिकार. ओह वाओ. हाँ जी. द अपकमिंग न्यू मॉडल एंड आई थिंक शी हैज द पोटेंशियल. एक ऐसी बुरी आदत जिसे आप जान छुड़ाना चाहते हैं? स्मोकिंग. कोई रिग्रेट? नो रिग्रेट्स व्हाटएवर. अच्छा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस शूट्स में किस मॉडल के साथ हुआ आपका? मेरीन से या देन विनी. अच्छा. दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी प्रोफेशनल. सब रबिया वगैरह सब. लेकिन जो शोज वगैरह मैंने दादा रबिया के साथ की, शूट बहुत ठीक है उमर, बस सब कह दिया. कह दिया. मैंने सबके साथ ज़्यादा काम किया. अच्छा आपकी म्यूज आजकल? नहीं शुरू से आज तक. द एवरग्रीन विनी. ओके विनी इज अमेजिंग. ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सबसे ज्यादा जो लोग आपको देते हैं? टाइमलेस होने का, कि अब जब भी पहनो वो ओल्ड फैशन में क्लासिक लगता है, डेटेड नहीं लगते. डिज़ाइनर ना होते तो क्या होते हैं? डिज़ाइनर होते या आर्टिस्ट होता? दोनों आर्टिस्ट होते. ओके आपकी फेवरेट हीरोइन? टीवी तो मैं देखते नहीं. अच्छा ठीक है. तो और फिल्में देखना बंद हो गई, लेकिन मायरा खान. मायरा खान इज योर फेवरेट. एंड अमंग हीरोज? ये बहुत मुश्किल सवाल है. नहीं नहीं क्यों मुश्किल सवाल है. अच्छा कोई पसंद नहीं है. ओके ओके वंडरफुल. आज के इस गिफ्ट हैम्पर के जो जीत पाए हैं वो हैं रबिया चौधरी. हालांकि जवाब मैंने ज्यादा अच्छे दिए थे, तेज भी दिए थे. चले पे ये हम शेयर करें. नहीं नहीं उमर आपके लिए मुसरत मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट बैग. बहुत थैंक यू मुसरत. Thank you for this. Thank you guys. And Rabia, you will also get a Musarrat Misbah. Oh wow, thank you so much. I love Musarrat Misbah cosmetics. They're awesome. और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम जो आती है हमें तैयार करती है. आसिम को बहुत
टाइम लगा के तैयार कर रही हैं, आसिम के सारे नखरे उठाते हैं। तुमने मुझे आज कुर्सी से चार दफा उठाया। थैंक यू सो मच। मैं जब ये कहती हूँ मैंने ओपनिंग करनी होती है, आपने तो बाद में आना होता है। थैंक यू सो मच। वो इतना प्रोफेशनली आके हमारे साथ काम करते हैं, यू नो, हमारे गेस्ट को भी तैयार करते हैं। नो, दे आर अमेजिंग वाकई। डेपलेक्स टीम ऑल ओवर पाकिस्तान इज जस्ट बिल्कुल जी। और इसके साथ ही I would like to thank both of you. Thank you so much, Rabia and Umar. बहुत मजा आया, इतनी मजे की बातें, टाइम का पता ही नहीं चला। And thank you so much. हमेशा यही होता है। And जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, your thoughts being on this show, कैसा लगा? I love it. It's like being home. मतलब PTV home है, मुझे पता है। I'm not trying to be, you know, वो नहीं करना चाह रही, चीकी नहीं होना चाह रही। लेकिन वाकई when I come here, I'm comfortable. It's like family. जी। और आज तो हमारी सेलिब्रेशन थी, उमर सईद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मस्ट क्लैप फॉर उमर वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और क्लोजिंग से पहले, क्योंकि एक सेलिब्रेशन का मौका है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अरूसा अली वंस अगेन कि वो आके हमारी क्लोजिंग पे एक बहुत ही मजे की परफॉर्मेंस देंगी। जाते जाते एक बार आपको एंटरटेन दोबारा करेंगी। और इसके साथ ही आपसे हम इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक ओनली ऑन पीटीवी होम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एंड अरूसा अली जी, मैं हूं दीर ढोलना, ओए ढोलना सुन दी तेरी तेरी, ओ जे मैं हूं दीर ढोलना, हाय ढोलना सुन दी तेरी तेरी, रंदी गले नाल लग के तेरे सावा दे नेड़े नेड़े, की वे बना हाड़ियां हाय हाड़ियां सुन दी तवी तेरी, ओ जे मैं होंदी ढोलना, हाय ढोलना सुन दी तवी तेरी। का है ये पल सजी है कहकशां।